आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के आदेश के विरोध में आज समूचे भारत वर्ष में भारत बंद आंदोलन किया गया। इसके तहत भिंड जिले में भी यह आंदोलन सफल हुआ, जहां पर भिंड लहार एवं तभो में बहुजन समाज एवं समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम दबो नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। दबो में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए दबो नगर पंचायत प्रतिनिधि नरेंद्र दुधारिया एवं हरगोविंद दोहरे सुरेंद्र दोहरे पूर्व पार्षद दबो। इस मौके पर अनुसूचित एवं जनजाति दल के नेता मुन्ना लाल भास्कर ने अपना बयान जारी किया। हमारा ही नहीं, पूरे समूचे दलित एससी ओबीसी वर्ग के पूरे देश के लोगों का एक मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो काला कानून बना है वो एससी ओबीसी दलित वर्ग के हित में नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये देशव्यापी जो आंदोलन है उसको बाबा साहब अम्बेडकर के फिलॉसफी को हम लोग पूर्ण तरह से लागू करवाएंगे इस देश में। और जो काला कानून है बनाया गया है वो हमारा वर्गीकरण है, जो विभाजित किया है हमारे समाज को, उस कानून को हम लोग क्या नाम को पूर्णता उसको वापस लेना चाहिए। अध्यादेश लगा करके न्याय का नाम को न्यायपालिका कार्यपालिका को कानून वापस लेना चाहिए। ये हम सब लोगों की मांगे हैं, इसी पर हमारा आंदोलन है। और ये आंदोलन आगे भी अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ये हम लोगों के विचार हैं और इसी को लेकर के हम लोग बाबा साहब के अनुयायी होकर के पूरे हमने शांति प्रिय तरीके से हम किसी अहिंसा करने वाला आंदोलन नहीं करते हैं। हम लोग सभी बाबा साहब की फिलॉसफी पे चल करके तथागत भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर के हम आगे चलेंगे और आगे चलते रहेंगे।